तो एसटीईटी में कॉमर्स भी शामिल किया जाए। नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत पीयूष। आपके जहन में भी सवाल उठ रहा होगा कि आपका बेटा अगर साइंस नहीं लेना चाहता है, आर्ट्स नहीं लेना चाहता है, कॉमर्स लेना चाहता है, तो कॉमर्स के लिए कौन सा बढ़िया कॉलेज है, कौन सा ऐसा स्कूल है जहाँ पर कॉमर्स की बढ़िया पढ़ाई होती है। उपेंद्र कुशवाहा ने कॉमर्स के विषय को उठाया है और उन्होंने कहा है कि एसटीईटी में कॉमर्स को शामिल न करने को करने का जो फैसला है, उन्होंने कहा है कि एसटीईटी में कॉमर्स को शामिल न करने का बिहार सरकार का जो फैसला है ये दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत ही दुखद है और सरकार कॉमर्स वालों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। तो उपेंद्र कुशवाहा तो लगातार शिक्षा के सवाल को लेकर नीतीश सरकार की घेराबंदी करते रहे हैं, लगातार शिक्षा को लेकर ही वो आंदोलन चलाते रहे हैं, कार्यक्रम करते रहे हैं और अभी भी लगता है चुनाव आ गया है सर पर, फिर भी वो शिक्षा को ही मुद्दा बनाए हुए हैं। ये तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या शिक्षा भी बिहार में चुनाव का मुद्दा बन सकता है। उपेंद्र कुशवाहा को लगता है कि बन सकता है, तभी तो शिक्षा को लगातार वो मुद्दा बनाए हुए हैं और अब उन्होंने कॉमर्स के मुद्दे को उठाया है। उन्होंने कहा है कि एसटीईटी में कॉमर्स को शामिल नहीं किए जाने का बिहार सरकार का फैसला बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार कॉमर्स के साथ सौतेलापन व्यवहार कर रही है। कॉमर्स आज के समय का एक मुख्य संकाय है, लेकिन इसके बावजूद सरकार इसे नज़रअंदाज कर रही है। हाई स्कूल एवं प्लस टू स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी से बच्चों का भविष्य अंधकार में है, लेकिन फिर भी सरकार कॉमर्स शिक्षकों को बहाली नहीं कर रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कहा है कि कॉमर्स वाले ही बीएड डिग्री धारक को भी एसटीईटी में शामिल किया जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार एक तो 9 वर्ष के लंबे समय के अंतराल के बाद एसटीईटी की परीक्षा आयोजित करवा रही है, फिर भी कॉमर्स अभ्यर्थियों को इससे वंचित किया जा रहा है। सरकार लाखों बीएड अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। कॉमर्स अभ्यर्थियों की ओर से मोहम्मद इमरान ने ये बताया है कि जब सरकार कॉमर्स को एसटीईटी में शामिल नहीं करना चाहती है तो फिर बीएड क्यों करवाया गया? सरकार हाई स्कूल एवं प्लस टू स्कूलों में कॉमर्स की पढ़ाई बंद क्यों नहीं करवा देती है? देखिए, बहुत बड़ा मुद्दा है। आप आम तौर पर आम लोग दो ही सब्जेक्ट जानते हैं, या तो साइंस फैकल्टी या कॉमर्स, साइंस फैकल्टी या फिर आर्ट, लेकिन कॉमर्स भी एक महत्वपूर्ण फैकल्टी है। कॉमर्स बहुत बड़ा चॉइस बन गया है आज के बच्चों का और इसमें बहुत अपार संभावनाएं हैं। कॉमर्स करके भी आप बहुत ऊंची मुकाम पा सकते हैं, तो कॉमर्स को सरकार तरजीह नहीं दे रही है, ये आरोप है उपेंद्र कुशवाहा का। उनका कहना है कि कॉमर्स की पढ़ाई हो ही नहीं रही है बिहार के स्कूलों में, कॉलेजों में, क्योंकि सरकार का ध्यान ही नहीं है। ये कॉमर्स का मुद्दा जो उपेंद्र कुशवाहा का है, आपके भेजे में कितना घुस रहा है, आपको कितना पसंद आ रहा है, क्या उपेंद्र कुशवाहा के शिक्षा के चुनावी मुद्दे के साथ आप खड़े हैं? खड़े हैं तो भी, नहीं है तो भी, कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट लिखिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि लोगों को पता चले कि बिहार का कोई ऐसा नेता भी है जो शिक्षा को सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाकर सत्ता में आने का सपना देखता है। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, इसे बनाए रखिएगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट की टीम के लिए बहुत मायने रखता है।